हरदा बम फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद सबक लेते हुए शासन के सख्त निर्देशों के बाद जबलपुर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार पटाखा फैक्ट्रियों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में आज रांची में बड़ा पत्थर के जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से एक गोडाउन में रखे हुए भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए। वहीं जिस जगह गोडाउन बनाकर पटाखे रखे गए थे वह एक रहवासी इलाका है, जहां दिन भर चहल पहल बनी रहती है। वहीं नियम के विरुद्ध तरीके से गोडाउन में रखे हुए मात्रा में पटाखे को जिला प्रशासन के द्वारा मौके पर जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से रखे गए पटाखों का स्टॉक सुरजीत सिंह का है, जो मस्ताना चौक राजी में पटाखों की दुकान लगाता है। पुलिस के द्वारा अवैध रूप से स्टॉक किए गए पटाखों को लेकर सुरजीत सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया, जहां सुरजीत सिंह के द्वारा बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में पटाखे गोदाम में रखे गए। गौरतलब है कि हरदा में अवैध रूप से संचालित हो रही पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट होने से उसमें काम कर रहे 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं 100 से अधिक लोग घायल थे, जिसके बाद शासन प्रशासन के द्वारा सख्त कदम उठाते हुए पटाखा फैक्ट्री की जांच के आदेश देते हुए कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए थे। आपको मालूम है कि हरदा की वजह से जो है, वैसे तो नियमित तौर से निरीक्षण होना चाहिए, पर इस बार इंटेंस निरीक्षण के निर्देश जो है राज्य शासन ने दिए हैं। अभी कुल मिला के अपने 137 जो है लाइसेंसी हैं अलग अलग तरह के। कल शाम तक की जो रिपोर्ट थी उसमें से हमने 123 लाइसेंसीज की जो है वो जाँच कर ली थी। उसमें से मतलब जिन लोगों का काम ठीक ठाक था मौके पर, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ नहीं थी, मतलब सामान्य तौर से ठीक था, वो लगभग 37 लोग थे, 37 लाइसेंसी जिनका काम ठीक चल रहा था। बाकी लाइसेंसीज में जो है पत्रक है क्या आपका, काम ठीक ठाक था। 48 जगह हमको जो है ये पाया गया था कि वहाँ पर निमत्ताएँ देखने को मिली थी, और उससे फर्दर इंक्वायरी करना था तो 48 जगह जो है हमने सीज की कार्रवाई की थी। 38 जगह पे जो है काम करना बंद पाया गया था, मतलब मौके पे कोई काम नहीं हो रहा था, खाली पड़ा हुआ था। वो सारी जगह उन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो निरस्त कराना चाहते हैं, हम काम नहीं करना चाहते। जिस जगह कुछ गड़बड़ पाई गई उनको मिला के 42 लोगों के बारे में, 42 लाइसेंसेस के बारे में जो है ये सूचना आई है कि इनके लाइसेंस जो है निरस्त कर दिए जाएँ, ऐसे प्रस्ताव आया है। तब ड्यू प्रोसेस में जो पूरी उनको सुनवाई का मौका देखे और वो कार्रवाई की जाएंगी। आज भी कार्रवाई हुई? हाँ, बाकी जांच की जो कार्रवाई है वो आज भी चल रही है। अभी दो मतलब एक्चुअली कल ही हमारे पास एक सूचना आई थी कि रांची क्षेत्र में जो है कहीं पे पटाखों का अवैध रूप से भंडारित किया गया है, तो हमने पुलिस की और हमारी रेवेन्यू की टीमें उसके लिए लगाई थी इसको सर्च करने के लिए। आज उन्होंने दोपहर को वो कोई पत्थर वाली जगह है, बड़ा पत्थर, उस जगह उन्होंने उसको पकड़ लिया है। काफ़ी बड़ा जखीरा जो है वो पटाखों का बरामद हुआ है। उसकी मात्रा कितनी है और किनका है, कोई सरदार जी का होना बता रहे हैं जो प्राइम फेसी सूचना मिली है उसके मुताबिक, वो हम देर रात तक आपको दे पाएंगे एग्जैक्ट कितना है। किस तरह की कार्रवाई होगी? जो आर्म्स एक्ट के तहत है, बगैर लाइसेंस के यदि आप कर रहे हैं तो अवैध आर्म्स एक्ट का जो केस बनता है विस्फोटक का, उसका वही केस बनेगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट, IND 365।